क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जान बचाई, बड़ा हंगामा हो गया। कोर्ट कहाँ है? कोर्ट मैंने नीचे फेंक दी। नीचे फेंक दिया? हाँ। ये तुमने पूरा किया? अच्छा चलो। यही वो कमरा है। लाइट। अरे कहाँ है तू? यहाँ वो क्या बात है? तीन तीन आए हैं। तीन तीन? ये कम क्यों आए? तगड़े हैं। अच्छा इससे कितना है? क्या बात? कोर्ट कहाँ है? कोर्ट? हाँ भाई लोग कोर्ट पूछ रहे हैं। देखिए साहब, इस नाके पे इस्तेमाल खास कोर्ट उस और सामने फोर्ट के अंदर है हाई कोर्ट। समझे? का आपको एफिडेविट देना है साहब। अच्छी तरह घर की तरह चलो। चाहे तो मैं जेब भी देख लो। कोर्ट कहीं नहीं है। जान पसीना हो पाए घर के रहेगा। चुपचाप कोर्ट दे दो वरना जान से मार डालूंगा। आप यकीन कीजिए हमारे पास कोई कोर्ट वोट नहीं है। ठीक है भाई साहब, सर कहता हूँ अगर गलती से आ भी जाता कोर्ट यहाँ पर तो यह आपका पिस्तौल निकालने के पहले हम आपको वापस कर देते। आप नहीं जानते आपके कोर्ट से ज्यादा कीमती हमारी जान है। जान नहीं, कोर्ट से ज्यादा कीमती नहीं। अरे वाह, हम लोग बेकार, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। आप कोर्ट की क्या कीमत हो सकती है? 10,000 रुपया कीमत है उस कोर्ट की। समझे? पागल कहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम लोग पागल कहते हैं। सुने सुना, कहते हैं कि 10,000 रुपए है कोर्ट की कीमत। 10,000। मेरी क्यों खींचता यार? मेरी जगह कहाँ गई थी? अरे इधर कहीं होगी, देख ले। मान रही है इधर पड़ी हुई। एक कोर्ट दिखता है जो किशोर किशोर क्या हुआ? अभी ये वही 10,000 रुपए वाला कोर्ट है। बाप रे, मैंने कहा था कि अगर मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। कुछ तो मत दिखाया। कौन दिखाता यार? फिर वो बात बतरी बदतमीज आदमी है रे भाव, ये बदतमीज वाला आदमी है। ले जी सरकार, ये आपका कोर्ट। पागल पागल समझ गया मैं। पागल भगू? हाँ गया। हाँ भैया, मुझे दाल में कुछ काला मालूम होता है। कैसे ये? यार इस कोर्ट में जरूर कोई राज है। किशोर, वरना बार बार पिस्तौल नहीं निकलता। निकलता है क्या करें?
रहा आपका कोर्ट केस जी। कोर्ट वो तो बिल्कुल मामूली है सेठ जी, इसके लिए इतने झगड़े क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते इसकी कीमत, लो ये अपने 10,000। आखिर इस कोर्ट में ऐसी क्या बात है? इस कोर्ट में 20 लाख है वीर सिंह, 20 लाख। 20 लाख? 20 लाख बंधु भाव बढ़ता ही जा रहा। अरे 20 लाख कीमत नहीं होती तो सेठ खाली कोर्ट लाने के 10,000 रुपए क्यों देता? अभी 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 रोता क्यों? रोना तो और क्या करूं भैया, ये कोर्ट अपने हाथ में आके वापस गया। अब भी मौका है, 10,000 इनको दिए हैं, 10,000 हम भी वसूल कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे? सेठ के पीछे लग जाओ। अच्छा? बात नहीं है, बात है। ये लो तुम्हारा इनाम। कितने हैं? 1,000 तुम्हारे लिए बहुत है। अरे वाह, बहुत है? मरने के लिए हम और खाने के लिए तुम? पकड़े जल तो फांसी हम करते। बिहारी जी, इन्हें जाना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी रोको। देखो तो तुम बग्गू। हाँ, और अगर हम तुम्हें कुछ न दे तो? अरे वाह, कुछ न दे तो हम गोली से तुम्हारी जान खींच के निकालेंगे। कि देखा है पिस्तौल? आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? उंगली निकालो जेब से। उंगली सीधा है, ये सच्चा पिस्तौल, सच्चा 800 रुपए का। हाँ, 800 रुपए का? मैं कहता हूँ जेब से हाथ बाहर निकालो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आपने पिस्तौल क्यों निकाला? उंगली आपने कैसे देखी भाई? उसने पहचान लिया। अबे पहचाने का नहीं तो क्या, ये भी कोई तरीका है डराने का? अरे भाई, तो उंगली से पिस्तौल दिखा है, तुम दिखाओ इसे। क्या रहा है सर जी, सुनिए। आखिर इस कोर्ट में ऐसी क्या बात है जो इतने लोग पीछे पड़े हैं? तुम नहीं जानते, इस कोर्ट में 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख? 20 लाख, तभी तो सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। 30 देर में ठीक हो जाएगी गाड़ी? 10 मिनट में। अच्छा देखो, ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। जी बहुत अच्छा।
क्या बात है? खामोश, बत्ती क्यों जला रखी? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? बुझा दे बत्ती, बुझा दे। सुना तूने? ये क्यों रो रहा है? इसे चुप करा, इसे चुप करा, सुनती है? आखिर बात क्या है, कुछ कहोगे भी? पहले इसका मुंह बंद कर दे, वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। पागल हो गए हो क्या? बच्चे भूख की वजह से रो रहा होगा। अब इन बच्चों के रोने का जमाना खत्म हो गया, अब हमारे तमाम दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये कोट देख रही है, ये कोट, इसमें 20 लाख रुपए हैं, इसमें 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख। 20 लाख? इतने रुपए कहां से आए? ये कोट किसका है? सेठ जी का। आज से नौकरी की मुसीबत खत्म हो गई। जिंदगी भर नौकरी करता तो भी इतना नहीं मिलता। तो तुमने चोरी की? इतने साल की नौकरी पे पानी फिर लिया? तू नहीं जानती अब मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, अब मैं खुद दौलतमंद हूँ। मैं ऐसी दौलत पे 1000 बार लानत देती हूँ जो दूसरों से छीनी गई। आज तक तुमने जुए के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद की, अब चोरी की दौलत से इन मासूमों की जिंदगी भी तबाह करना चाहते हो? ये तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। अब तक रुपयों के लालच में तुम मुझे धोखा देते रहे और आज अपने मालिक को भी धोखा दे दिया। रुपए के लिए आदमी सब कुछ करता है, मैंने तो सिर्फ नौकरी गवा दी, लोग अपनी इज्जत भी गवा देते हैं। इज्जत बेचकर धनवान बनने से तो हमें अपनी गरीबी मुबारक। जो इज्जत इस गरीबी में है वो चुराई हुई दौलत में कहा? अगर मेरा नहीं तो कम से कम इन मासूम बच्चों का ख्याल करो और कोर्ट वापस कराओ। नहीं, ये नहीं हो, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि हाथ आई हुई दौलत गवा दूं। दरवाजा खोलो। कौन है? पुलिस। अब क्या करें? मैंने पहले ही कहा था कि कोर्ट वापस कर दो। जल्दी खोलो दरवाजा, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। जल्दी खोलो, भागने की कोशिश न करना, याद रखना। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? अरे वाह, मोटे उड़ा ली। साथ साथ और पूछते हो क्या चाहिए तुम्हें? गांगुली साहब। यस। क्या किया जाए? इसे थाने ले चलो। चलो। नहीं नहीं, नहीं हल्दा साहब, आप इन्हें ले जाइए, यही तो इस अंधेरे घर का उजाला है, इन्हीं के दम से तो हमारी जिंदगी है। आप इन्हें ले जाइए, आप इन्हें ले जाइए हल्दा साहब, मुझे ले जाइए, इनके मतलब मुझे ले जाइए हल्दा साहब, इनके सिवा इन नन्हे बच्चों को कोई सहारा नहीं हल्दा साहब। मगर इसने भी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए, क्यों पालो? हाँ ठीक है, इसलिए बड़ा कमर बताएंगे। मेरे मत पाओ पड़ो भाई, मेरे मत पाओ पड़ो। भगू, तू क्यों रो रहा है? अरे रो नहीं तो और क्या करूं भैया, मुझसे किसी अबला के आंसू नहीं देखे जाते क्या? तुझे रो रहे कोर्ट का है ये रहा। आओ मालूम है, इसीलिए कोर्ट मेरे पास ला। लेकिन बात तो सुन तो, ये किशोर अभी तक रुपये नहीं मिले, लेकिन तेरी आंखें बदल गई। अरे भैया 2 मिनट के मेरे पास दे, तू नहीं जानता
20 लाख की लुंगी अगर किसी मुर्दे को पहना दे तो वो भी जिंदा हो जाएगा। मैं तो जिंदा इंसान हूँ। तुम रख दे ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिमाग तो ठीक है, दिमाग कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कुछ कर रहा है। कोई नहीं भाई, ये क्या मुसीबत। आ गया, आ गया। याने की दो लड़कियां, दो लड़कियां भैया मुझे चार दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते। तो नमस्ते करता है, जानता है उनको कि नमस्ते नहीं करता है। तो पहले पूछ तो ले। आपकी तारीफ। अरे क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बदल जाएंगे। बग्गू क्या बात भैया, ये बात क्या है ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रही है। मुझे उल्लू बनाता है। नहीं नहीं भैया, सच कहता हूँ, कसम खुदा के कहता हूँ कि जिंदगी में अभी तक कभी नहीं देखा था उनको। तो फिर ये लड़की तुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है। यही तो कमाल है बंधु, यही तो कमाल है। बुजुर्गों ने कहा है जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती है। देख रहा है दो दो खड़ी हुई है। अब शुरू मुझसे होगी और खत्म तेरे पे होगी, तो देखते रहे। कहिए मैं आप क्या खिदमत कर सकता। दीदी ये कुछ दुबले हो गए ना। अरे अरे ठीक, नजर क्यों लगाती हूँ, देखती नहीं आजकल तंदुरुस्ती कुछ अच्छी हो रही है। इसीलिए तो आपने हमारे खत का कोई जवाब नहीं दिया और न हमें लेने के लिए स्टेशन पर आए। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। जरूर होगी, मगर माफ कीजिए एड्रेस जरा गलत हो गया। आप फिर से पढ़िए, हम गले मत पड़िए, फिर से पढ़िए। मुझे मालूम ना था कि आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे। जब आप पुणे में थे तो रोज हमें कॉलेज से घर पहुंचाया करते थे। लेकिन अब समझ गया, ठहरिए, पुणे की बात छोड़ दीजिए, अब मैं आपको कहां पहुंचा दूं। कहीं नहीं। हाँ। बग्गू हाँ। अपना क्या जाता है। हाँ। रहने दो। हाँ। दौलत के बाद ही तो औरत आती है। बंधु अगर तू है राजी तो फिर ये काजी क्या कर सकता है। बंधु ये तो ठीक है। हाँ। मगर ये क्यों गमगीन है। ये तुझे भाई। हमें कोई गम है, तुम्हें कोई गम है, मोहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, या
यहाँ तो गम का साथ है, खुशी एक झूठी बात है। यहाँ तो गम का साथ है, खुशी एक झूठी बात है। उठा नजरों को बेखबर, अजब जलवों की रात है। उठा नजरों को बेखबर, अजब जलवों की रात है। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, हंसी होठों पे खो गई जवानी हमको रो गई। हंसी होठों पे खो गई जवानी हमको रो गई। बलम क्यों दूर जाए तू, मोहब्बत में है जिंदगी। बलम क्यों दूर जाए तू, मोहब्बत में है जिंदगी। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, जरा कोई हमको थामना, छलक जाए गम का जामना। जरा कोई हमको थामना, छलक जाए गम का जामना। गनीमत है ये रात भी, है दिल से दिल का सामना। गनीमत है ये रात भी, है दिल से दिल का सामना। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, कहूँ क्या कैसी देर है। खुशी को दिल से बैर है, कहूँ क्या कैसी देर है। खुशी को दिल से बैर है। मुहब्बत क्या है बालमा, दिलों का हेर फेर है। मुहब्बत क्या है बालमा, दिलों का हेर फेर है। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें कोई गम है, तुम्हें कोई गम है। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है। मुझे तो नींद आ रही है। नींद आ रही है जी, मुझे भी नींद आ रही है। दीदी क्या देख, तो सही कोट कहाँ रखा है। वो तो जाग रहे हैं, कोशिश तो कर। मेरे सर के नीचे ये दर्द के, ये लीजिए। तब 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 तब
बदतमीज बेवकूफ, तेरे कारण सब अरे क्या हुआ? बंदूक कुछ हुआ जरूर है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, देख रहा हूँ। हो पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा तो कोई बात नहीं, ये चला। अरे अरे क्या, 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 क्या कर रहा है भैया? गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए गाड़ी जरा पीछे ले रहा हूँ। पीछे ले रहा हूँ? जब गाड़ी पीछे जा सकती है तो आगे भी जा सकती है। अरे हाँ यार, अब क्या किया जाए। भाई दे चुका जो कुछ देना था, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? 20 लाख अकेले खा जाना चाहते हो? चौथे रुपए मेरे हवाले कर दो। जाने के 5 लाख? हाँ 5 लाख। कुछ नहीं बिहारी जी, कोट ले लेना। खबरदार, अगर कोट लेना है तो 5 लाख रुपए लेके वही आना, क्या मुझे पहले रसोई होती रहती। चलो तुम। हाँ मैं। क्यों डर गए? इसमें डरने की क्या बात है? मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं। तुम्हारे हिस्सा तुम्हें मिल चुका, हट जा मेरे सामने से। वीर सिंह, मैं तुम्हारी चालबाजियों को खूब समझता हूं। वोट हासिल करने के लिए जान की बाजी मैंने लगाई और मजे तुम उड़ा। बुरा मानने की क्या बात है, ये तो अपना अपना नसीब है। आज मैं भी अपना नसीब बदलने आया हूं। अगर जान की खैर चाहते हो तो आधा हिस्सा मुझे दे दो। ये बात है जहरी, इन्हें आधा हिस्सा चाहिए। बहुत अच्छा। खबरदार, क्या कोर्ट मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो, लाओ लाओ। बस पुलिस आने तक मुझे यही छेड़ता होगा। तुम जाओ, 5,000 रुपए तिजोरी से ले आओ और तुम मेरे साथ आओ। आला वाला भग्गू, गाड़ी का नंबर याद है? बिल्कुल। क्या है बोल? हाँ 2612BM। अरे ये तो अपनी गाड़ी का नंबर है, वो लड़कियों की गाड़ी का नंबर क्या है? लड़की का नंबर था, मैं देखा इधर 2, इधर 5, 5 और 2। यार भूल गया मैं। ऐसा करे बंधु, जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी में जाकर देखते हैं, नंबर मिल जाएगा। टेलीफोन डायरेक्टरी में गाड़ियों का नंबर रहता है ना? हाँ यार, तो कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, खाम खा के लिए बोर किया जाता है यार, समझ में नहीं आता है। भग्गू भग्गू देख वही गाड़ी है। अरे वो नहीं यार, मैं कहता हूँ भैया है। अरे ये गाड़ी तो स्मृति हसी गाड़ी है, तो उन्हीं का तो हम पीछा कर रहे हैं। क्यों पीछा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोर्ट है। हाँ, उनके पास कोर्ट कहाँ था? कोर्ट। अरे बाप रे, जल्दी
चल लेंगे, नहीं तो क्या ठहरेंगे। अरे बुद्धू के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता। चाची जी ने मुझे भेजा है। क्या बात है? उन्होंने कहा है आप जो कोट लाए वो मुझे और उसके बदले में 5,000 रुपए दिए। 5,000? जी हाँ, ये लीजिए। कोट कहाँ है? कोट, कोट वो पड़ा है। कहाँ है? उसकी है कि इस कोट का दाम बहुत है, 5,000 से काम नहीं चलेगा। जी, मगर चाची जी ने तो यही कहा था। वो क्या जाने, तो जो कुछ कहना है वो चाचा जी से कहना। चाचा से क्यों कहूं? दोबारा धोखा देके भाग गई है ना? दूसरी कहाँ है? ऊपर, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। आप लोग कुछ मदद कीजिए ना। अबला की आवाज सुनकर हम ऊपर आए। अच्छा, तो फिर इसकी भी आवाज सुन लो। सुनाओ। ये भाई एक अबला की आवाज सुनकर हम ऊपर आए थे, मगर आपकी आवाज सुनकर आप तो जाओ। धिक्कार है तुम पर। एक मजबूर लड़की को मुसीबत में छोड़कर भाग रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? बंधु, क्या ख्याल है? बंधु, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मेरे हाथ पैर में दर्द है। अरे भैया, वो कह रही है कि शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या ख्याल है? शर्म आती आते है ना। ऊपर आगे तू बढ़ा गए कभी कभी आती है। जाते हो या नहीं? आम नहीं 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 जाओगे? हाँ। जरा आराम से देखिए, आराम से देखिए, जरा नजदीक का चश्मा लगाइए तो फिर मालूम होगा कि ये चश्मा नजदीक से ही देखने का है। बेटा, मैं देख चुका, ये वो कोट नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी मदद जरूर की, लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए था वो न मिल सका। फिर भी तुमने मेरी बच्चियों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगा। अरे सेठ साहब, जब असली कोटी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? चलो भग्गू। हाँ चलो। मगर बेटा,
ये बेकार कोट अपने साथ कहां उठाए उठाए फिरोगे? अरे फेंको भी इसे, इसे फेंक दो। सेठ जी, इससे मैं बूट पॉलिश करूंगा, जमीन पोछूंगा, इसको जला जला के चूल्हा से लगाऊंगा। इसने हमारी नींद खराब कर दी है, खाना खराब कर दिया, इसे फेंक दूं मैं। चलो भैया चलो। शशि बेटी, वो कोट अपना ही है। फिर आप झूठ क्यों बोले चाचा जी? बोलना ही पड़ता है बेटा, दो आदमियों को पहले ही मालूम हो चुका है, वो अलग जान खाए हुए हैं, अगर इन्हें भी पता चल गया तो ये भी गले पड़ जाएंगे। मगर वो तो ऐसे आदमी नहीं है चाचा जी। मैं जानता हूँ कि वो अच्छे आदमी है, मगर बेटा पहले मैं भी तो जरा उन्हें आजमा लूं, अगर तुम्हारी तरह मैंने भी उन्हें अच्छा पाया तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। जाओ पहले उनसे किसी तरह कोट हासिल कर लो। अगर ये सच है तो राजी है हम, अगर ये सच है तो राजी है हम, तू मेरी गोरी मैं तेरा बलम, तू मेरी गोरी मैं तेरा बलम, निकाला हमें
घर में बुला के चले हो कहाँ कर के जी बेतरार चले हो कहाँ कर के जी बेतरार भूलने वाली देख लिया तेरा प्यार भूलने वाली देख लिया तेरा प्यार जाना था तो इतनी मदद क्यों की थी मदद की थी कोर्ट मिलने की उम्मीद पर नहीं मिला तो क्या करूं तो मतलब मिल जाएगा को ढूंढने से आदमी को इस दुनिया में क्या नहीं मिल सकता अरे 50 बरस के बाद मिलने से क्या फायदा अगर इस उम्र में मिलता तो मतलब ये है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते रहना तो मैं चाहता हूँ मगर रहने का कोई नतीजा भी तो होना चाहिए परमात्मा किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करता बेटा अगर तुम्हारे दिलों में हमारे लिए हमदर्दी का ख्याल है तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा तुम यहां ठहरो कोशिश करो कोर्ट जरूर मिलेगा बेटा शशि ठहरने के लिए रूम बताओ मैं तुम आओ तुम भी आओ आओ ये आप लोगों के लिए कमरा है अच्छा पसंद आया क्या बात है और देखिए अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो इस घंटी को बजा दीजिएगा नौकर आ जाएगा सुनिए तो कहिए कुछ नहीं बताइए ना कुछ भी नहीं ए भाई तुझे भी इसी वक्त आना था भैया वक्त नहीं पता चला कोई घड़ी नहीं मेरे पास है अच्छा मुझे दिया है उन्होंने ये तेरा नाइट का सूट और मेरा नाइट का सूट हाँ वक्त गड़बड़ चंदनों का अलग है पांडू जाते कुर्सी घूमने सगड़ी आणखी ए डोंडू तिकडे जाते टेबल उचलू आणि सगळं चल टेबल घे आणि तू तिकडे जातो स्टँड आहे ना टेबल सुन घे चल लवकर आणि ते हराम खुर्ची करून हराम खुर्ची ती ते सोडू नको बाबा हां ते पलंग कुठे आहे अरे हा ते बेडरूम मध्ये असेल ना जा बेडरूम वरून घेऊन ये आणि ते बघ ते विसरू नको टेबल लॅम्प पण आहे एक तू पण जा रास्ते दारूवाला साहेब पलंगावर दोन माणसं झोपले ती अरे पलंगावर ते माणसं ना झोपेल तर काय जाणवर लोक झोपेल अरे पण ते माणसं लोक आला कुठून कुणाच ठाऊ चल मला दाखव ए तुम्ही लोक सामान जरा सांभाळून न्या जास्त तोडू नका ए भाई साहब भाई लोक पेन्शन लोक अरे उठो नी डिंग बाराबर जर सुटताय कसा यार ते भाजपात कुछ नाही चलो सामान उठा नाही काय सामान किशोर सामान उठाने भाई उठो सामान उठाने का कोण तुम तुमको अंदर किसने आने दिया दरवाजा खुला रहो अंदर आए मतलब तुम बताओ तुम लोग कौन है थे हम लोग कौन है थे क्या बात करता है यार हम लोग सेठ के जमाई है वो समझा गए ए बाबा जमाई का मतलब होता है दामाद दामाद को मतलब है कि सरिंदो नहीं सुनो सरिंदो तो मेरा फादर लॉ ने दोनों का मिला के उतर कब्रिज का चले गए ले चले गया कहाँ चला गया देखिए अमेरिका के एड्रेस लिख के गया किलो जाता है करके अरे बे तुम लोग मेहरबानी से काम करो तुम लोग भी चलो चलो निकलो बात ये चलो चलो बात कुछ नहीं है चलो पांडू चल सामने उचल बंदू चले क्यों चले क्यों गए लो कपड़े भी ले गए अरे कोट भी ले यार अगर उन्हें जाना था तो ये बेकार कोट क्यों ले गए बंदो ये क्या मुसीबत किसको बुला रही है पता नहीं
अगर तुझे पता नहीं तो मुझे कहां से पता मिलने वाला है, कर भी कोशिश करता हूं। ये भाई मैं बच गया, तुम मर गए क्या? तुझे बुला रही कहिए बाबूजी, बाई ने चिट्ठी दी है, कहा था जब उठेंगे तो दे देना, आपको जल्दी बुलाया है। हाँ जल्दी बुलाया है जी। हाँ। चलो किशोर। अरे मगर कहाँ? अरे सुना नहीं, बाई ने जल्दी बुलाया है। मगर जमीन पर बुला रही है, आसमान पर बुला रही है, कुछ पता तो चले। हाँ यार सुनिए, सुनाइए। पता उसमें लिखा हुआ है बाबूजी, उन्होंने कहा है आप हवाई जहाज से चले आइए। आप समझते होंगे कि हमने आपको धोखा दिया है, मगर सच जानिए हमें कुछ पता ही नहीं था। चाचा जी ने अचानक यहाँ से जाने का प्रोग्राम बना दिया। अगर आपको कुछ भी मेरा ख्याल हो तो नीचे लिखे हुए पते पर मुझसे आकर मिलिए। हाँ ठीक है बंधु, बिल्कुल ठीक है, पीछे सोचने क्या बात है। अरे मगर हवाई जहाज से जाने के लिए किराया कहाँ से लाएंगे? हाँ यार किराया। किराया? हाँ किराया तो देकर गई है बाबूजी, ये लीजिए। अरे बड़ी समझदार है, बहुत ही समझदार है बंधु, बहुत समझदार है। जरा देख तो पता क्या लिखा है। ये तो वो समंदर पार का मालूम होता है। अरे समंदर पार का नहीं, मद्रास का पता है, मद्रास का। तो आप मद्रास पहुंच गए। आइए जो तुम आ गई क्या जी? आओ जी कितना वेट करे तो आज सवेरे मॉर्निंग यारा ड्रम गए वहाँ तुम्हें दिक्कत चले ना। नायडू साहब मुझे जरा हार्ट ट्रबल है ना, इसलिए हवाई जहाज से नहीं आए, हम ट्रेन से आए। वेरी गुड वेरी गुड। अरे मुत्तु अंड पेट उल्ले कोंडवा, चलो ना जी अंदर को चलो। आओ बंधु। हाँ ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ अब क्या किया जाए? अरे भैया जब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ये सोचो कि इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आज अच्छे टाइम में आए सो तुम्हें, आज मेरे वाइफ का बर्थडे है सो। वाह आज नाच गाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। अच्छा हाँ जी है। और अयो तुम्हें खड़े क्या जी, बैठो ना जी। பாருங்க சாப்பாடு போட்டு மாசம் 5 ரூபாய் சம்பளம், வேலை எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும், சம்பளமா? சரி பந்து कहाँ फंस गए यार? अगर इस बुढ़िया मुझसे कुछ पूछ लिया तो किस बोली में जवाब दूंगा? बंधु ये जबान इतनी आसान है, इतनी आसान है कि पूछ नहीं। इसने तुझे पूछा क्या तो कह देना आमा। अम्मा? अम्मा नहीं अम्मा। आमा सही है। मुझे अलग बोलो। सही अम्मा। दादा ये बात उन पैर है ना? அம்மா உன் பேர் என்ன? சரி உன் பேர் என்னப்பா? அம்மா இது என்ன பைத்தியமா இருக்க? சரி என்ன என்ன பைத்தியமா இருக்கியா? அம்மா 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 இவ்வளவு என்ன வேணும் என்ன வேணும்? அவன் பேர் என்ன கேக்குறேன்? இவர பேரு கோபாலசாமி, நான் கிருஷ்ணசாமி, என்ன வேணும் அம்மா? சரி இங்க வா தானம்
कुछ नहीं जी, सामी अय्यर को नागेंद्र को मैं अकेला क्या करूँ जी, सबको बुलाना है तो बड़ा प्रोग्राम है ना, तुम ना करो क्या, सुबह मॉर्निंग में बैठ को ये प्रोग्राम बनाएंगे जी। आगे जाने वाला मालूम होता है। यही तो मैं भी सोच रहा भैया, ना पहिए है ना इंजन है, फिर भाग रहा है। भैया मेरा ख्याल है सेठ से कह दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ यार, जब तू राय देता है तो लटकाने वाली राय देता है ना। स्मृति, शशि, स्मृति बैग में, बैग कहाँ? यही था चाचा जी। यहाँ था? कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, लो वो हमें पुकार रहा है। अभी मुझे कहा है? मुझे मुझे क्या? अभी भाई, ए नायडू साहब कहा? नायडू साहब आएंगे इल्ले। क्या मतलब? नायडू साहब ये नहीं है जी। नहीं है? ओ, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा जी। शट अप। जलमणवा, जबान के साथ साथ मुझे भी बदल गई। मुझे बदल गई? मुझे बदल गई? बदल गई। अब ठीक है? बहाना छोड़ दो, मैं तुम दोनों को पहचान गया हूं। आ, आ, आ,
क्यों आ रहे हैं आप? मुझे क्या ढकल रहा है? अच्छा हुआ किशोर तुम मिल गए। नायडू मेरा कोट लेकर भाग गया है। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम लोगों से बड़ा शर्मिंदा हूँ। सेठ जी आप तो खाली शर्मिंदा होकर रहेंगे, आप नहीं जानते हमारा बहुत नुकसान हो गया। क्यों बंधु? बिल्कुल, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक बार मदद की तो बम्बई से मद्रास आना पड़ा, अब क्या काले पानी भेजना है? तुम भी जानते बेटा, उस कोट के लिए मैंने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर वो कोट मिल गया तो जो तुम कहोगे वही होगा। क्या ख्याल है भग्गू? ठीक है बंधु, ठीक है बंधु। शाबाश, बस जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। निकालो सब, निकालो सब, निकालो। ये लो, तुम स्टेशन जाकर नायडू को तलाश करो, उसे निकलने मत देना। हम अभी आते हैं, जल्दी करो। और सुनो, मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएंगी, वो भी तो साथ में हैं। देखो बेटा, तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, खबर आते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। अच्छा अब कहाँ जा रहे थे? कौन बच्ची जी तुम्हारा? मेरा नाम नायडू, एडवोकेट। आपका नाम जी? आप क्या काम करते सर? क्यों जी? बोल से क्यों नहीं जी? आज बोलो जी, कोई बात करो जी, आज कुछ तो भी बात करो जी मेरे साथ है। आज तुम्हें बात नहीं करेंगे तो मैं दीवाना हो जाऊंगा जी। एक मेरा एक उनका। उनका बोले तो किसका?
ये नटिता होते हैं। अच्छा हाँ, इन पे कभी कभी पागलपन दौरा पड़ता है, समझे, इसलिए इनको जरा बड़े हस्पताल ले जा रहे हैं। अच्छा, कभी कैसे हरकतें कर रहे हैं ना। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, अगर कोई जरूरत पड़े फौरन मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। बैठो आराम। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे मास्टर साहब, हाँ ठीक हो जाएगा। अब किस होने वाला? दिल दिया दौलत को ऐ इंसान, तूने क्या किया, भूल बैठा प्यार को नादान, तूने क्या किया। आँखों को मिला यार से, आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। अरे मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। दौलत की हवस छोड़ कहीं प्यार में खो जा, और जलवों की बरसात में हस्ती को डुबो जा। फिर अरे फिर झूम के, हाँ फिर झूम के सावन के महीने का मजा ले, फिर झूम के सावन के महीने का मजा ले। आहे आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। गाफिल कभी पैसे के तू नजदीक न जाना, खंजर है ये खंजर को गले से न लगाना। ये जिंदगी दो दिन की है, ये जिंदगी दो दिन की है, जीने का मजा ले। ये जिंदगी दो दिन की है, जीने का मजा ले। आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। बुझा ले तुझ गल की, दौलत से चला प्यास बुझा ले तुझ गल की, बह जा कहीं मौजों में किसी मस्त नजर की। प्यासा है तो इस मौज से, अरे प्यासा है तो इस मौज से पीने का मजा ले। प्यासा है तो इस मौज से पीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। आहे आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। आई
अयो क्या बात तुम गाते हो सर, निकलने के तेरा कितने अच्छा है जी। तुम्हारा गाना सुन तो मेरा आत्मा ठंडा हुआ। अरे नायडू साहब, अभी तो आपका आत्मा और ठंडा कर रहा है जी। नायडू साहब आप क्या क्या धंधा करते पता नहीं। वाह साहब वाली जी सुन, अरे वाह वाह। हाँ जी हाँ जी साहब, अजी साहब ऑटो स्टेशन आ गया। कौन सा स्टेशन है भाई? हावड़ा हावड़ा हावड़ा। लगू लगू नायडू नायडू लगू दोनों गायब। ए बग्गू, अरे उठ यार, अरे उठ के बजे। अरे हावड़ा आ गया। अरे यहाँ क्यों उठ रहे भाई, हमें जाना है कलकत्ता। अरे कलकत्ते का नाम है हावड़ा। तो हम लोग पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। नायडू साहब किधर है? नायडू साहब चले गए। बंधु तो मतलब ये है कि नायडू साहब पान खिला चुना लगा के चल बसे। चल बसे, पता भी तो मालूम नहीं है। अरे बंधु पता मुझे याद है कुछ कुछ। वो कह रहे थे फोन पे है कि नंबर था कुछ 1 2 3 4 5 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
टू थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री अभी एक गंज गंज ग ग गीता बाली गीता बाली गीता को निकाल दो बाली गंज बाली गंज बाली गंज ट्वेंटी थ्री बाली गंज बाली गंज उसका नाम है उसका नाम है नाम नहीं सरनेम 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 हाँ सरनेम भूल गया सरनेम घोष नहीं घोष बॉस बॉस घोष का भाई बॉस नहीं यार भाई भाई वो लोग भाई भाई सॉरी चटर्जी चटर्जी मिला मिला जी मिली लेकिन चटर नहीं है नहीं है नहीं है जी बराबर है लेकिन चटर नहीं है तो फिर क्या होता मुकर जी मुकर मुकर साहब बैनर्जी तो नहीं अरे बैनर्जी हाँ बैनर्जी घर कहाँ ढूंढता मुझे पता तो नहीं मालूम है आप तो फिर कैसे गया तुम आप मुखर्जी और चटर्जी कह रहे थे तो इसकी वजह से मैं बैनर्जी का अरे थैंक यू वेरी मच क्या बात है आ ले 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 सब ये किधर गया अरे यार उसका दे सर चलो थैंक यू बेटी तुमने वो कोट संभाल कर रखा है ना मैंने अपने कबाड़ में रखा है अयो जरा ताला मार को बंदोबस्त में रखने को बोलो जी नायडू तुम खबराओ मेरी खबराओ नहीं तुमने तो आज कमाल किया है आज तुमने जो काम किया है ना वो दूसरे का बॉस का एकदम नहीं है अयो ये कुछ नहीं जी अभी आगे आगे देखो ना जी मेरे कमाला दर्शन कब दोगे बोलो ना मन हर सावरिया मन हर सावरिया दर्शन कब दोगे बोलो ना मन हर सावरिया मन हर सावरिया क्या हमसे भगवन काहे दियो बिसराए काहे दियो बिसराए भूल हुई क्या हमसे भगवन काहे दियो बिसराए काहे दियो बिसराए तुमरी लगन में जीवन हमरा तुमरी लगन में जीवन हमरा पग पग ठोकर खाए
पग पग ठोकर खाए, पग पग ठोकर खाए। कब हमसे मिलोगे बोलो ना, मनहर सांवरिया, मनहर सांवरिया। आपने आपने एक ही जाने ना इन्हीं गुरुदेव, मगर हमने तो आपको पहचान लोगी बेटी, पहचान लोगी। गुरुदेव ने अटल समाधि ली है, मैं आज उनकी जगह पर आया हूँ। गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव धन्य है। जीते रहो बेटा, जीती रहो बेटी। महाराज तुम खड़ा खड़ा क्या मुंह काटता है, नमस्कार करो गुरुदेव को, नमस्कार। पाँव का पाँव का मेरे नहीं, पहले इनके इनके। बेटा तेरा नाम नायडू है? नायडू? अयो तुम्हारा मेरा नाम कैसा खबर जी? मालूम है बेटा, तेरा दर्शन खुलने वाला है। गड़बड़े गुरुदेव, इनको तो नहीं पहचाना। पहचान लोगे बच्चा, पहचान लोगे। आप जब समाधि लेंगे तो तुम मुझे भी पहचान लोगे। कौन दो चलिए मोरा, कौन दो चलिए। चलिए राम हरे 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 हरे। माँ गुरुदेव मिट्टी खावे ना, उनको मीठा पसंद नहीं है, इनके लिए जरा पूरी भाजी ले आइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। महाराज महाराज महाराज, माँ गुरुदेव का आज व्रत, आज पूछ नहीं खाएंगे, लाइए। अब देखिए आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिला के लस्सी बनाकर एक गिलास महाराज को पी जा दीजिए, ताकि आज का दिन शांति से जाएंगे। क्यों महाराज? हाँ बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। आखिर मैं आपका चेला हूँ महाराज। खैर बेटा कम से कम पानी तो पीने देता। महाराज आज आपका मंगलवार, मंगलवार है। हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल। है कि हमको वहाँ पहुँचने के लिए 5,600 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। हाय कोई बात नहीं जी, ये तो मामूली खर्चा है। सो आज के नसीब अच्छे हुए ना, 20 लाख रुपए मिलते। सो 20 लाख मेरा मन जो कहता था है। क्या कह रहा था तेरा मन? महाराज बोल बोल। अरे 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 क्यों क्यों बेटी? हाँ तू समझती कि मैं इस घड़ी तेरे पास क्यों आया हूँ? मैं सब जानती हूँ महाराज, ये जगमगाती हुई रात, ये कमरा और मैं। ऐसी बात न कर बेटा, ऐसी बात न कर। मैं सब समझता हूँ कि तेरे मन में कौन सा तूफान उठ रहा है। ये मन की भूल है, मनोकामना को सुला दे, ईश्वर का प्रेम जगा बेटा, तेरा कल्याण होगा। ठीक है भगवंत, ठीक है। लेकिन महाराज बस
भूल को भगवान क्षमा करते हैं, और परमात्मा को याद करने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती। ठीक है भगवान? ठीक है बेटा। सुन लिया देवी, पान क्या कहते हैं? धन्य है महाराज, मैंने सुन लिया। आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं पाप की दलदल में फंस रही थी, आपने मुझे बचा लिया। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं बेटी, तू नहीं धस रही थी, ये उस काले कोट की कारस्तानी है जो आज इस घर में आया है, और पता नहीं कल सुबह तक इस घर का क्या कुछ होने वाला है। फिर वही बात। समझी बेटी? समझ गई महाराज। जब से कोट इस घर में आया है, एक नौकर भाग गया। गांव से माँ का तार आया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। सचमुच ये कोट बहुत अशुभ है। हाँ बेटी, उस कोट के पीछे दो चुड़ैलें, एक ब्रह्म राक्षस और 15 छोटे छोटे राक्षस लगे हुए हैं। महाराज। हाँ बेटी, उसे जला दे, भाग कर फेंक दे, मगर उसे इस घर में न रख। और अगर तुझसे न हो सके तो वो कोट मुझे ला कर दे, मैं उन सबको जला कर भस्म कर दूंगा। अरे वाह ये गुरुजी, तुमने तो कमाल कर दिया। लिखिए महाराज, यही है ना? हाँ यही है, यही है। आंखें बंद कर, अब मैं तुझे इस कोट का चमत्कार दिखाता हूं। भाई कमाल किया तुमने, अब की तो इस कोट का मिलना बहुत ही मुश्किल। मैंने कोई कमाल नहीं किया चाचा जी, सारी तरकीब तो भगुआ की थी। भगुआ की? मगर वो है कहाँ? नीचे है, अपनी असली सूरत में आ रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? असली पे आ रहा था, आता आप जी। भेज तो खूब बदला था, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सच? अजी रूखी सूखी तारीफ से क्या होता है, अगर कोई सच्चे दिल से तारीफ करे तो मैं जमीन और आसमान यज्ञ कर दूं। अच्छा, तो अब तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला? अजी रोना तो इसी बार के जिसके लिए इतनी मुसीबत उतार रहे हैं उसको खबर तक नहीं। आपको भी कुछ तकलीफ है? जी हाँ। सुनते ही तेरा सनम मैं दीवाना हुआ, तुझको दिल में बसाए हुए एक जमाना हुआ। खबर है न दिल का पता, तेरी बातों ने कैसा ये जादू किया। डाल कर एक नजर छीना मेरा जिगर, तूने ओ दिल रूबा
नाम सुनते ही तेरा सनम मैं दीवाना हुआ, तेरे तीरे नजर का बलम दिल निशाना हुआ। चाचा जी से पूछूंगा तो जानती हो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अबे जा बे, बड़ा आया शादी करने वाला, झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाब देखता है बे। मैं तुझसे अपनी बिटिया की शादी हरगिज नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। इंग्लिश में बोलता हूँ, यू कांट मैरी माई डॉटर, अंडरस्टैंड? ऐसा कहेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर चाचा जी अब एक लंबे सफर पर जा रहे हैं। हाँ, जा तो चलो भैया, चाचा जी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मुझे क्यों बचा लिया मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं चाचा? मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अब नहीं चाहता कि अपनी जिल्लत अपनी आंखों से देखूं। कैसी जिल्लत? भैया के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, अपनी औलाद की तरह तुम्हारी देखभाल, और तुमने मुझे उसका ये बदला दिया। कोई किसी के साथ गाना गाती, कोई किसी के साथ बातें करती, इससे तो अच्छा होता कि मुझे मौत ही आ जाती। मगर आपने उन्हें वचन दिया था चाचा जी, वो अपनी जान पर खेल के कोर्ट ला चुके हैं, आपकी बारी है वचन पूरा करने। वचन? मेरा वचन तुम्हारी भलाई से बढ़कर नहीं। अगर मैं उन्हें लालच न देता तो वो कोर्ट जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था वापस कैसे देते? आप पहले भी उन्हें धोखे में रखकर बंबई से मद्रास चले आए थे। अगर उन्हें हमारा ख्याल न होता और सिर्फ कोर्ट का ही लालच होता तो वो बंबई से मद्रास क्यों आते? क्या तो अब मैं तुम्हारी नजरों में धोखेबाज भी ठहरा? इससे बढ़कर मेरी और क्या जिल्लत होगी? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए इस बुढ़ापे में दुनिया भर की ठोकरें खाई और तुम मुझे झूठा समझती हो? मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि तुम गुंडों के हाथों में न पड़ो। Thank you.
अगर तुम ये समझती हो कि मुझे तुम्हारी दौलत का लालच है तो ये लो अपना कोट। चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपकी जान दे रहे हैं? बस मुझे मर जाने दो। नहीं, आपकी सेवा इस दुनिया में हमारा और कौन है? चाचा जी, आपसे बढ़कर हमारी भलाई चाहने वाला और कौन होगा? अगर उन्हें वाकई तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तब मैं समझूंगा कि वो तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करते, तुमसे मोहब्बत है। अब जैसा तुम कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें क्या करना चाहिए चाचा जी? बस जल्दी जल्दी सामान बांध लो। अच्छा चलो स्मृति। किशोर चाचा जी चल बसे। क्या बकता यार? अरे देखता नहीं बंधु, वो चादर ओढ़ के चल बसे हैं। अरे चाचा जाना तो जाइए, हम तुम्हें कभी नहीं रोकते, लेकिन कम से कम अपना वाला तो पूरा कर दे। अरे तुम्हें ऐसे ही चलना चाहिए किशोर। ठहरिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जरा मरीज की तो देख लूं। आप देखने से क्या फायदा डॉक्टर साहब, जहाँ नंदा हो रही गई बाल चक्कर उठ सकता है। अब आप आदमी की जगह तकिए है? कैसे तकिए? बंधु मैं समझ गया। क्या? मैं समझ गया, चाचा ने तीसरी बार हमारे मुंह गया है, समझे? खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, जब मरीज ही नहीं है तो फिर गाय की आपको बेवकूफ, मतलब ये है कि हम बेवकूफ बनकर आपको ले आए, माफी चाहते हैं। आपकी जो फी है आप ले लीजिए, ये 10 रुपये, ये तो पूरी फीस, अगर आधे फीस में मानवल हो सकती है। अच्छा दे दो, थैंक यू। थैंक यू सर, 5 बज गए। बंधु मालूम होता है उस मोटर से डूबी। अबे शशि और स्मृति यहाँ कहाँ? वो तो सात समुद्र पार जाने की तैयारी कर रही है। सात समुद्र पार? हाँ, हवाई जहाज से उड़कर जा रही है। तू कैसे मालूम? मैंने अभी एरोड्रोम में फोन जो किया। अच्छा हाँ, क्या किया जाए? क्या किया जाए? पीछा करो, यानी कि चेज चेज फॉलो फॉलो।
बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं। ये लो अपना इनाम। इन दोनों साहबान को हमारे दीवाने खास में पहुंचा दो। सुनो तो, क्या तुम बता सकती हो दीवाने खास कहाँ है? क्यों? हमें उन नए मेहमानों से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों? क्या दीवाने खास में जाने की इजाजत नहीं? जी हाँ, वो इस वक्त ऐसी जगह पे है जहाँ उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्या मतलब? कहाँ है वो? कैद खाने में। भाईजान, आपसे गलती हुई है। दरअसल मलिक साहब ने दीवाने खास के बारे में बताया था। हाँ, और आप लोग हमें जेलखाने में ले आए। यही तो आपकी खुशनसीबी है। अरे कमाल करते, कैसी खुशनसीबी? क्यों जी, ये ठीक है, मलिक साहब जिससे ज्यादा खुश हो जाते हैं उसे यही भेज देते हैं। अरे कमाल है, ज्यादा खुश होने के बाद यहाँ भेज देते हैं। मलिक साहब से कह दीजिए कि हमें ये जगह पसंद नहीं। कहाँ जा रहे हो? भागने की कोशिश की तो जान से मारे जाओगे। चलो हमें। मन कर लो। चाचा जी, ये आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ बेटा? किशोर और भक्को को दीवाने खास के बजाय जेल में क्यों भेज दिया है? जेल में? कि तुम्हें कैसे मालूम? चाचा जी, हमें बहलाने की कोशिश ना कीजिए, मगर ये उनके साथ नाइंसाफी है। तुम नहीं जानती बेटी, बाज औकात मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ता है। ये कैसी मजबूरी है, कहाँ का इंसाफ है? जो लोग हमारी मदद की खातिर अपनी जान पर खेल जाएं, उन्हीं को आप इस तरह कैद करते? बेटी, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम लोग किस तरह हमारी दौलत पर नजरें जमाए बैठे। लेकिन किशोर और भग्गू तो उन लोगों में से नहीं है चाचा जी, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। बेटी, शराफत किसी की पेशानी पर तो लिखी नहीं होती, हम किसी के दिल का भेद क्या जाने। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो दोनों बेगुनाह हैं। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है बेटी, मगर इस वक्त आपकी आंखें धोखा खा रही है। जी हाँ, हमें खुद अपनी भलाई बुराई सोचने दीजिए। मगर मैं अब जिंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम कोई फैसला नहीं कर सकती। आपकी बातों में आकर ही तो हमें देश देश की खाक छानी पड़ी। हमने आप पर हमेशा भरोसा किया, मगर आपने हमें कभी चैन नहीं लेने दिया। तो तुम मुझे इतना बुरा समझती हो? क्या मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार नहीं हूँ? आप फिक्र न करें, हम अपनी हिफाजत आप कर लेंगे। जी हाँ, अगर ठोकरें ही नसीब में लिखी हैं, तो यही सही, मगर हम आपकी चालों में नहीं आएंगे। खामोश। इन्हें इनके कमरे में पहुंचा दो और इन पर कड़ी नजर रखो। चाचा जी, और इन्हें विस्की, ब्रांडी या कुछ है? बंदो, ये तो पकड़वाने की बात कर रहा है। हाँ यार, सुनिए। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, देखता नहीं। हुजूरे हकदस, हकदस जमाले फुरकत, फुरकत कमाले हलकत, हलकत। देखिए आसानी है, हम शराब नहीं पीते, इसलिए हमें कोई शराब नहीं। शरबत बुलाइए। शरबत? जी हाँ। तुम? मैं भी पीऊंगा। दोनों शरबत? तो मैं तुम्हें रूहे अर्क हफ्जा पिलाता। नहीं समझे? तुम? अरबे हुरूख सा पिलाता। अब समझ गया बंधु, ये कोई जुल्लाब की दवा मालूम होती है। क्या बकता है यार, सच कहता हूँ भैया, वो कह रहा था कि आउदु उदु हैजा। नहीं हैजा नहीं, अरबे उल्लू खाजा। इतनी तकलीफ होने वाली है? कोई बात नहीं, ये कुछ रख रहा है भाई। किशोर आया, ट्रे भी है उसके पास। यही है हर के रूहे हुलूस।
पियोगे मस्त हो जाओ। अच्छा ये लो ग्लास। ग्लास लो, एक तुम भी लो। ठंडा कर रहे हो? हाँ। करो ठंडा। पियो पियो। बंधु किस मुसीबत में आके फंस गए? चुपचाप पी ले वरना बिगड़ जाएगा। मैं तो नहीं पीता। सचमुच अच्छा है। अरे शरबत तुम लोगों को कैसा लगा? अरे वाह साहब, जवाब नहीं। अजी ये रुए हफ्जा क्या है, तरोबतर हो गए हम तो कभी के। अच्छा ये तो बता, तुम्हें मौसीकी से शौक है? मौसीकी? मौसीकी? अरे भैया गाने बजाने को कहते हैं मौसीकी। ओ साहब बहुत शौक है, बहुत शौक है, लेकिन क्या करे साज नहीं होने से मजबूर है। नहीं 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 हमारी जन्नत में मजबूरी है ही नहीं, जो चाहिए मिल सकता है, बाजे चाहिए। क्या बात कर रहे आप, लाइए जो कुछ सामान आपके पास जो कुछ होगा वो ये कैसे बजाते हैं क्यों जी? हाँ जी हाँ। ये तुम भी ना। मालूम होती है। शुरू हो जाओ। हाँ वन मालूम होता है। तू देखा किशोर, कोई जादू मालूम होती है इसमें। बंधु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ही बज रहा है। बजाए जाओ बंधु, बजाए जाए। कोशिश करते हैं। रेडी, एक दो। किशोर अब तो सच मालूम होता है कि हम लोग जन्नत में हैं। अरे वाह रे मलिक साहब। मलिक, इस कच्चा कमीने का नाम किसने लिया बताओ? उसका नाम किसने लिया? नहीं जिसने लिया मैंने कहा था। तुमने? मेरा गला क्यों घोट रहे हैं? मैं सिर्फ नाम मतलब मलिक साहब का लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंधु कमाल है। अरे कमाल क्या, जवाब नहीं चाचा का। देख तो बंधु अभी अभी ऊपर था, हमसे पहले नीचे आके बैठ भी गया।
कहां से तशरीफ ला रहे हैं आप हजरात? सुनो भाई को। चाचा जी आपको तो सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं। अजी आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? दुनिया भर की खुशामद करवाई, बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ते से यहाँ तक दौड़ाया, झूठे वादे भी करते रहे। अच्छा तो गोया आप लोग भी उस फरेबी के चक्कर में आ गए हैं? नहीं अजी हजरत, जो अपने सगे भाई का न हुआ वो भला आप लोगों का क्या होता? जी जी, मगर हम आपका मतलब नहीं समझे। गालिबन आप हमें पहचानने में गलती फरमा रहे हैं। हम ज्वाला प्रसाद नहीं हैं, हम हैं उसके छोटे भाई बद्री प्रसाद। जी जी जी, जरा सुनिए जी, ये आप एक ही तरह के कितने भाई हैं जरा समझा दीजिए जी, ताकि हम लोग को पहचानने में जरा सहूलियत हो जाए। जी एक भाई और था हनुमान प्रसाद, उसे भी इसी मक्का ज्वाला प्रसाद। दरवाजा बंद हो गया, अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये महल नहीं, भूतिया महल मालूम होता है बंदो। शायद ये दूसरा दीवाने खास है। दीवाने क्या हो रहा है? से कुछ खाने पीने की चीजें मंगा रहे हैं। ओहो मलिक, मलिक, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, तुम क्या देख रहे हो? तुम देखते मलिक का नाम लिया। महमूद भाई चल बसे। हाँ अब क्या होगा मुझे? बंधु मौत की घड़ी आप पहुंचे, उससे पहले कुछ करके मरो, नहीं तो पछताओगे। अच्छा हाँ क्या करूं? शुरू हो जाओ। शुरू हो जाए ये
भी गया। चलो बंधु। तू है? खबरदार, गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस।